नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल में भीषण ट्रेन हादसा सामने आया। हादसे में 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। हादसे में कई यात्रियों के घायल होने की खबर है। कंचनजंगा एक्सप्रेस की 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई। कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराई मालगाड़ी। दार्जिलिंग में बड़ा रेल हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भीषण ट्रेन हादसा हुआ। हादसे में 3 बोगियां कैसे हुआ है? अचानक आवाज हुआ। हम लोग गाँव के, हम गाँव से आए मेरा नाम नतुन सरकार। दादा, क्या पता चला, कब ये घटना घटी? जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था, वो खड़ा नहीं था, धीरे गति से चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मर दिया उसको। तो क्या एक ही ट्रैक पे हुआ है? एक ही ट्रैक पे दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे आ गया। तो उसके बाद क्या हुआ? मतलब अचानक देखिए इतना आवाज हुआ था, यहाँ पे जो लोकलिटी जितना सब है सब आके इसके ऑपरेशन में लग गया। स्पॉट डेड हम लोगों को जितना पता चला 5-6 जन यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। अभी भी अब देख सकते हैं, एक ही अभी जस्ट नाउ एक जन को रेस्क्यू करके गया, बट उतने जो टीम होना चाहिए मेडिकल टीम, उतना अभी तक मेडिकल टीम आगे पहुँचा नहीं एट टाइम में। और अभी भी आप देख रहे हैं ट्रेन का जो पायलट है अभी अटक हुआ है, उनको अभी रेस्क्यू करना पड़ेगा। अभी तो न्याय हाँ, उनका मौत हो स्पॉट डेड हो गया उनको। धन्यवाद। तो देखिए बहुत तेज आवाज आई वहां पर, जो लोग मौजूद थे जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देखा है। और ये देखिए कितना भीषण ये हादसा होगा, ट्रेन का डिब्बा एक ट्रेन के डिब्बे के ऊपर चढ़ गया है और किस तरीके से स्थिति है। और आप जरा सोचिए कि इस डिब्बे में जो लोग सवार होंगे उनकी क्या स्थिति बनी होगी। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो मालगाड़ी से टकरा गई और इस ट्रेन हादसे में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि जो मौत का आंकड़ा है वो अभी स्पष्ट नहीं है, इसलिए कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मौतें हुई हैं। और अभी मौतों का आंकड़ा कितना होगा, कितना बढ़ेगा, ये भी अभी जांच का विषय है। और ये देखिए जो ट्रेन हादसा हुआ है, इतनी भीषण 2 ट्रेनों के बीच में टक्कर थी कि एक ट्रेन का जो डिब्बा है वो दूसरी ट्रेन के बिल्कुल ऊपर चढ़ गया है। और अब बात रायपुर से बड़ी खबर की, जहां एमबीए के छात्रों के साथ लूटपाट का मामला सामने आया। नवा रायपुर घूमने आए 2 छात्रों से लूटपाट की गई। निमोरा ओवर ब्रिज के पास बदमाशों ने लूट लिया। 3 बदमाशों ने छात्रों के साथ मारपीट कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। चिल्लाने पर छात्र की गाली लेकर भागे लुटेरे। राखी थाना पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर एमबीए के छात्रों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। और संवाददाता युगल तिवारी, जो युगल, एमबीए के छात्रों के साथ लूटपाट की घटना हुई है, पूरा मामला बताइए। जी बिल्कुल रेनू, देखिए जो 2 एमबीबीएस के छात्र थे वो निमोरा रायपुर की तरफ घूमने गए हुए थे। अचानक 3 बदमाश आए और पहले तो गाली गलौज की और पैसे की मांग की, उसके बाद नहीं देने के बाद मोटरसाइकिल लेकर के फरार हो गए हैं। और पीड़ितों ने ये मामला दर्ज कराया है कि चाकू की नोक पर ये लूट की घटना है, उसे अंजाम दिया गया है। फिलहाल मौके पर निमोरा के पुलिस पहुंची थी, जांच में जुटी हुई है और अब जो फरार आरोपी है उनकी तलाश में जुटी हुई है। ये दोनों छात्र हैं, एमबीबीएस के छात्र बताए जा रहे हैं। और शिकायत के बाद पुलिस ने नाकेबंदी भी की है और अब जो फरार आरोपियों की तलाश पर जुट गई। 3 बदमाश बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए युगल। तो इस तरीके से देखिए 3 बदमाश बताए जा रहे हैं जिन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया है। छात्रों के साथ निमोरा ओवर ब्रिज के पास बदमाशों ने इन्हें लूट लिया है। ये घूमने आए हुए थे और छात्रों के साथ मारपीट भी की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर बलरामपुर से, जहां 40,53,000 के धान गायब हुआ है। भवरमाल समिति से 40,53,000 के धान गायब होने की सूचना, समिति प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। समिति प्रबंधक महेश्वर गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जांच के दौरान 1281.60 क्विंटल धान कम मिला। मौके से 3,240 मिलर बारदाना कम पाया गया। रामानुजगंज पुलिस कर रही मामले की जांच। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलरामपुर से, 40,53,000 के धान की गायब होने की सूचना है। भवरमाल समिति से 40,53,000 का धान गायब हुआ है।
तो अब जो प्रबंधक है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। समिति प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और अब ये पूरे मामले की जांच होगी कि आखिरकार किसकी साठ गांठ के चलते इतना बड़ा गोलमाल हुआ है। 40,53,000 के धान गायब हो जाने के बाद अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी तादाद में जो धान है यहां से गायब हुआ कैसे, किसके संज्ञान में रहते हुए, क्योंकि यूं ही कोई इतनी बड़ी मात्रा में धान गायब नहीं कर सकता है। और 1281 क्विंटल से ज्यादा ये धान बताया जा रहा है, जब नाप किया गया तो इतना कम पाएगा और उसके बाद ही मालूम चला कि 40,00,000 से ज्यादा का जो धान है वो गायब हो चुका है। समिति प्रबंधक के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है। रामानुजगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। संवाददाता सूरज गुप्ता जुड़ गए हैं। सूरज, 40,00,000 से ज्यादा का धान गायब हो जाता है और कानो कान किसी को खबर नहीं लगती है, पूरा मामला बताइए, क्या कुछ एक्शन इस पर लिया गया? जी मैं बता दूं कि रामानुजगंज धान खरीदी केंद्र के भवरमाल समिति का यह पूरा मामला है, जहां 40,53,000 रुपए से अधिक के धान गायब होने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्था ने इसकी जांच कर FIR कराई। हम FIR होने के बाद मामले का खुलासा आपको बता दें कि लगातार भवरमाल समिति सुर्खियों में रहा है, धान में हमेशा गड़बड़ियां पाई गई है, इस बार भी एक गड़बड़ी पाई गई है, जहां जांच के दौरान 1,281.60 क्विंटल धान और 3,204 नग मिलर बरदाना कम पाया गया। जांच के दौरान जब ये कम पाया गया तो इस पर समिति प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और आगे जांच जारी है। फिलहाल अभी इस पर किसी भी प्रकार के समिति जो प्रभारी है उनका कोई भी बयान सामने नहीं आया है। मामला FIR होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए सूरज। तो इस तरीके से इस पूरे मामले की जानकारी लगी और इस पर अब कार्रवाई की बात की जा रही है। समिति प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। खबर अंबिकापुर से, स्वास्थ्य विभाग के RHO से ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के RHO से 13,76,000 की ठगी की घटना हुई। गैस एजेंसी का डीलर बनाने का दिया था झांसा। पीड़ित ने गैस एजेंसी खोलने के लिए किया था सर्च। गांधीनगर निवासी बैजनाथ दुबे से 13,76,000 की ठगी हुई। पीड़ित ने गांधीनगर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। तो बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग के RHO से ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के RHO से 13,00,000 से ज्यादा की ठगी हुई है। गैस एजेंसी का डीलर बनाने का झांसा दिया गया था। पीड़ित ने गैस एजेंसी खोलने के लिए किया था सर्च। गांधीनगर निवासी बैजनाथ दुबे से 13,76,000 की ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने गांधीनगर थाने में मामला दर्ज करवा दिया है। तो देखिए, अब अलग अलग तरीकों से जो ठगी है उन वारदातों को अंजाम दिया जाता है। और अब स्वास्थ्य विभाग के RHO, पहले तो ऐसा होता था कि जिन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती थी, जो गांव से बिलोंग करते थे, अनपढ़ होते थे, उनके साथ ऐसी ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जाता था, साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जाता था। लेकिन अब बहुत पढ़े लिखे जो अफसर हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, यहाँ तक कि पुलिस और अब स्वास्थ्य विभाग के RHO, इन तमाम लोगों के साथ भी ठगी की घटनाएं हो रही हैं, साइबर ठगी के ये शिकार हो रहे हैं और RHO से 13,00,000 से ज़्यादा की ठगी कर ली गई। दरअसल गैस एजेंसी का डीलर बनाने का झांसा दिया गया था और उसके बाद ये ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए। श्रवण, स्वास्थ्य विभाग RHO भी नहीं बच पाए साइबर ठगी से, किस तरीके से झांसा दिया गया था, क्या कुछ इस पर एक्शन लिया जा रहा है? देखिए, लगातार जो है साइबर ठग जो है ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसमें कम पढ़े लिखे तो कम पढ़े लिखे, अधिक पढ़े लिखे भी इसके झांसे में आ रहे हैं। और इस बार जो है गांधीनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक RHO जो स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ है, उनको गैस एजेंसी के नाम से 13,00,000 से अधिक की जो रकम है उसकी ठगी कर लिया गया। इनको झांसे में लेकर जो है ये ठग जो है ठगी की वारदात को अंजाम दिए हैं। उनका कहना था कि जो पीड़ित थे वो गूगल में सर्च किए थे कि HP जो गैस की एजेंसी लेना है इसको लेकर, तो फिर कुछ दिन बाद जो है इनके पास एक कॉल और मेल आता है और उनको ये कहा जाता है कि आपके जो गैस एजेंसी का लेना चाहते हैं उसका अप्रूवल मिल गया है और उसके झांसे में लेकर के कई किस्तों में इन्होंने 13,00,000 से अधिक की जो राशि है वो जो है ठगों के खाते में डाल दिया। और जब एजेंसी इनको नहीं मिली और इनको तब ठगी का एहसास हुआ, तब ये मुंबई भी गए और मुंबई जाने के बाद इनको ये कहा गया कि वो आप आपके नजदीकी थाना क्षेत्र में ही शिकायत करें। इसके बाद गांधीनगर में ये पीड़ित जो है वो उन्होंने शिकायत की है और साइबर सेल जो है अब इनकी पूरे मामले की जांच कर रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण।
बिलासपुर में पुराने नोट के बदले लाखों की ठगी की वारदात को अंजाम दे दिया गया। दरअसल 5 रुपए की नोट के बदले 5 लाख देने का झांसा दिया गया था। झांसा देकर की गई 2,25,000 की ठगी चकरभाटा थाना क्षेत्र का मामला है। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव पूरा होने के बाद अब नवंबर दिसंबर 2024 में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं और उसके पहले राज्य सरकार ने अगले चुनाव में नियमों में बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं, जिसके तहत छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का कराए जा सकते हैं। महापौर चुनने का अधिकार एक बार फिर जनता को दिया जा सकता है। गौरतलब है कि 5 साल पहले भूपेश बघेल की सरकार ने पार्षदों को महापौर चुनने का अधिकार दे दिया था। रविवार को रायपुर में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और इस दौरान ज्यादातर विधायकों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने का सहमति जताई है और इसके लिए सभी वर्गों से सुझाव लेने के लिए जल्द समिति बनाई जा सकती है। और आप देखिए, बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, इसको लेकर चर्चा हुई है और सीधे रुख करेंगे, रायपुर से संवाददाता तनु वर्मा जुड़ गए हैं। तनु, बैठक बुलाई गई, ज्यादातर विधायकों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने के लिए सहमति जताई है और हमने देखा कि जब भूपेश सरकार थी उस दौरान पार्षदों को कह दिया गया था कि वो महापौर चुन ले, लेकिन इस बार कुछ बदलाव होने के संकेत है। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद नगरी निकाय चुनाव को लेकर जो है वो तैयारियां तेज़ हो गई है और इस साल के अंत में नगरी निकाय चुनाव होना है। ऐसे में राज्य सरकार जो है इस बार की नगरी निकाय चुनाव में प्रत्यक्ष प्रणाली से ये जो है वो चुनाव करा सकती है और इसको लेकर बीते दिनों भाजपा कार्यालय में हुई विधायक दल की बैठक में भी चर्चा हुई, जिसमें ज़्यादातर विधायकों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने को लेकर जो है सहमति अपनी जो है जाहिर की है, क्योंकि पिछली सरकार में, पूर्ववर्ती सरकार में अप्रत्यक्ष प्रणाली से नगरी निकाय चुनाव किया गया था और इसमें पार्षदों के द्वारा ही महापौर चुना गया था। ऐसे में एक बार फिर अब बीजेपी जो है सत्ता में आने के बाद इस नियम में बदलाव करने जा रही है और अब महापौर चुनने का अधिकार फिर से जनता को दिया जा सकता है। इसके साथ ही नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ही दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी का बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, ठीक उसी तरह से नगरीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी को जीत मिलेगी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी जो है प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा रही है, ऐसे में बीजेपी के खिलाफ जो है वातावरण देखा जा रहा है और बीजेपी में जो है वो डर समा गया है, जिसके चलते वो प्रणाली में बदलाव करने जा रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि किसी भी प्रणाली से नगरीय निकाय चुनाव हो, वो पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए जो है वो तैयार है। बहरहाल दोनों ही पार्टी के अपने अपने दावे हैं और ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किस प्रणाली से चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि सभी वर्गों से अभी सुझाव लेने के बाद इसको लेकर एक समिति बनाई जाएगी, जिसके बाद ही नगरीय निकाय चुनाव किस तरीके से कराया जा रहा है इसकी तस्वीर जो है वो साफ हो पाएगी। जी शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखना यह है कि आखिरकार किस तरीके से ये चुनाव होने वाला है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया जाए और सभी जो विधायक उन्होंने इसी पर सहमति जताई है। खबर बलौदाबाजार से, जहां जियाद खान मामले की जांच करेगी बीजेपी किरण सिंह देव की अगुवाई में बनाई गई है समिति। आज गिरौदपुरी स्थित अमर गुफा पहुंचेगी टीम। बीजेपी ने बनाई है 5 सदस्यीय जांच समिति। जियाद खान की तोड़फोड़ के बाद भड़की थी हिंसा, कांग्रेस की जांच समिति भी पहुंची थी अमर गुफा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बलौदाबाजार से, जहां जियाद खान मामले की जांच करेगी बीजेपी, जहां किरण सिंह देव की अगुवाई में समिति बनाई गई और आज गिरौदपुर स्थित अमर गुफा पहुंचेगी टीम। बीजेपी ने बनाई है 5 सदस्यीय जांच समिति। जियाद खान की तोड़फोड़ के बाद हिंसा भड़की थी, कांग्रेस की जांच समिति में पहुंची थी अमर गुफा। तो जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत बड़ा ये घटनाक्रम हुआ था, हिंसक घटनाएं हुई थी, तोड़फोड़ की गई थी और इस दौरान लगातार इस पर एक्शन भी लिया गया। एसपी कलेक्टर्स को हटा दिया गया, नए एसपी कलेक्टर यहां पर ज्वाइन किए, उनको भी कुछ ही दिन में हटा दिया गया और अब अमर गुफा पहुंचेगी बीजेपी की टीम। अब पहले कांग्रेस ने जांच टीम बनाई थी और भेजी थी यहां जांच करने के लिए, लेकिन अब बीजेपी की जांच समिति पहुंचेगी और जांच करेगी और पूरी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपी जाएगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे, संवाददाता योगेश यादव जुड़ गए हैं। योगेश, अब बीजेपी की 5 सदस्यीय जांच टीम गठित की गई है जो कि जांच करने के लिए पहुंचेगी। जिस तरीके से हिंसक झड़प हुई थी बलौदाबाजार में, उसकी जांच होगी अब।
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि कांग्रेस की 7 सदस्य की जांच टीम के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की 5 सदस्य जांच टीम आज अमर गुफा पहुंचेगी महाकोनी के पास, जहां पर जैद खान के साथ टूट फूट हुई थी और वहीं टूट फूट इतनी हिंसक हुई कि बलौदा बाजार के एसपी कलेक्ट्रेट कार्यालय में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई। आज बीजेपी की जो 5 सदस्य टीम है, प्रदेश अध्यक्ष किरण देसी की सदस्यता में टीम जो बनाई गई है, वो इस जगह पर आकर मुआयना करेगी, लोगों से चर्चा करेगी, आम लोगों से कि आखिर क्या स्थिति है और कैसी स्थिति वहाँ पर बनी, ताकि वो हिंसा यहाँ से शुरुआत होकर वहाँ से भड़की। इन तमाम सवालों को लेकर वे आम जनता से, आम लोगों से पूछताछ करेंगे, उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद इनकी जो जांच में क्या आएगा तो फिर आगे पता चल पाएगा। क्योंकि बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस की जो 7 सदस्यीय जाँच टीम है वो इसी जगह पर आई थी, उन्होंने मुआयना किया, उसके बाद यहाँ से उन लोग गए, उसके बाद बलौदा बाजार गए। सेम उसी तरह ही भारतीय जनता पार्टी की जो सदस्यीय टीम है यहाँ पर आएगी, उसके कुछ देर बाद आम जनता से चर्चा करने के बाद, उस गांव के लोगों से चर्चा करने के बाद, यहाँ के पुलिस कर्मी हैं वहाँ, थाना प्रभारी जिनकी जांच टीम में वो भी मौजूद थे, उनसे चर्चा करेंगे, फिर बलौदा बाजार जाएंगे, बलौदा बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसके बाद पूरी जानकारी, पूरी अपडेट पता चल पाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए योगेश। तो इस तरीके से देखिए, अब जो जांच समिति बनाई गई है पूरी जांच करेगी, बातचीत करेगी वहां के लोगों से और उसके बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रायपुर से खबर है जहां छत्तीसगढ़ में बड़ी स्कूलों की छुट्टियां, जहां 25 जून तक बंद रहेंगे स्कूल, राज्य के सभी स्कूल, क्योंकि भीषण गर्मी है और इस भीषण गर्मी को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने बढ़ाई है छुट्टियां, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए फैसला लिया गया। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है जहां 25 जून तक अब बंद रहेंगे स्कूल और अब 1 हफ्ते के लिए इन छुट्टियों को और बढ़ा दिया गया है। पहले जल्द ही इन स्कूलों को खोलना था और अब इसका वक्त बढ़ा दिया गया है, यानी कि छत्तीसगढ़ में स्कूलों की छुट्टियां अभी 25 जून तक रहने वाली हैं। शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने गर्मियों को देखते हुए, गर्मी जिस तरीके से पड़ रही है, इस माहौल को देखते हुए, बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए छुट्टियों में इजाफा किया गया है। तो वही बिलासपुर जिले में मस्तूरी ब्लॉक के गोंडा डीह और लोहारसी गांव में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री परियोजना का विरोध शुरू हो चुका है। कल 18 जून को सीमेंट फैक्ट्री की पर्यावरण मंजूरी के लिए जनसुनवाई होनी है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। सीमेंट फैक्ट्री परियोजना के विरोध में गोंडा डीह, भुरकुंडा, बोहार डीह, टांगर के ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हम लोग का विरोध ये है कि सबसे पहले तो जो 18 तक का जो जनसुनवाई है वो रद्द किया जाए, है ना, और रद्द करने के उपरांत हमारे जितने भी ग्राम हैं जो SSC में, अडानी में प्रभावित है, उस गांव में ग्राम सभा ले, है ना, ग्राम सभा ले और वहां के जनता से पूछे कि क्या आप लोग की आवश्यकता है, जरूरत की सामान क्या चीज़ है, है ना, क्या उपयोगिता वाली चीज़ है, उस बारे में एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट नोट करें और उस विषय में देने के लिए लिखित में कंपनी वाले कुछ अपना, है ना, जवाबदारी ले, तब जाकर के कंपनी सबके सहमति बने तो खोलना चाहे तो खोल सकते। लेकिन अभी हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में प्राय सब किसान वर्ग के, है ना, तो किसान वर्ग में है, अगर हम लोग के पास 1 एकड़ ज़मीन है तो भी से ठाठ वर्ग के साथ हम लोग साना शौकत की ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन वो कंपनी में वो ज़मीन जाता है तो 1 साल के अंदर पूरा गरीब की स्थिति में हम लोग जीवन यापन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। कुछ मांग नहीं है, एक ही मांग है कि जनसुनवाई ना हो, बाकी दूसरा कोई कुछ नहीं है मांग। क्यों नहीं चाह रहे तो उससे बहुत हमारे पर्यावरण प्रदूषण होगा, गांव का जो तालाब है, मंदिर है, वो सब हर एक चीज़ जैसे पर्यावरण से जो जुड़े हैं वो सब प्रभावित होगा। और छत्तीसगढ़ सरकार ने बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जिले के तेंदुपत्ता संग्राहकों को नगद भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने 15 दिनों के भीतर इन 3 जिलों के तेंदुपत्ता संग्राहकों को भुगतान करने का आदेश दिया है, जिसके बाद इन जिलों के तेंदुपत्ता संग्राहकों में खुशी की लहर है। इससे लाखों तेंदुपत्ता संग्राहकों को लाभ होगा। गौरतलब है कि पिछले दिनों सर्व आदिवासी समाज के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस के जन प्रतिनिधियों ने सरकार से जल्द भुगतान की मांग की थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। सूरतपुर में कई दुकानों में भीषण आग लगने का मामला सामने आया। करीब 12 दुकानों में आग लगी और आग की चपेट में आने से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। 2 मोटरसाइकिल जलकर राख हो गई। दुकानों में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।
कुदरगढ़ देवी धाम के मेला बाजार की घटना है। दमकल ने आग पर काबू पाया। बड़ी खबर सूरजपुर से है, जहां कई दुकानों में भीषण आग लगी और करीब 12 दुकानों में आग लगाई गई। तो आग की चपेट में आने से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और उसके बाद आग और भयानक हो गई। दो मोटरसाइकिल भी जलकर खाक हो गई। दुकानों में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। कुदरगढ़ देवी धाम के मेला बाजार की घटना है। दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। अंबिकापुर में हाथियों का उत्पात जारी है। दहशत में मैनपाट क्षेत्र के ग्रामीण 9 हाथियों का दल लंबे समय से डेरा बनाया हुआ है। कंडराजा ननाई डांड में 3 घर में की तोड़फोड़। पिछले एक महीने में 12 घरों में तोड़फोड़ की गई। घर में रखे अनाज को भी बर्बाद कर दिया गया। मैनपाट वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर हाथियों का उत्पात जारी है। दहशत में मैनपाट क्षेत्र के ग्रामीण है 9 हाथियों का दल लंबे समय से बनाया है डेरा। कंडराजा ननाई डांड में 3 घरों में तोड़फोड़ की गई। पिछले एक महीने में 12 घरों में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया। घर में रखे अनाज को भी बर्बाद कर दिया गया। मैनपाट वन परिक्षेत्र का मामला बताया गया है। और खबर पेंड्रा से, जहां शराब तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने एमपी के बिजुरी से गिरफ्तार किया है। पिकअप से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई थी। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए थे आरोपी। पुलिस ने 72 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं पेंड्रा से, जहां पर शराब तस्करी के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। शराब तस्करी के आरोपियों को धर दबोचा गया। मास्टरमाइंड समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने एमपी के बिजुरी से गिरफ्तार किया है। पिकअप से शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए थे आरोपी। 72 घंटे के अंदर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें तेज अंदाज में।